अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम जन्नत राहील और आज मैं आपको एक ऐसा DIY सीरम बनाना सिखाऊंगी जो आपकी आईलैशेस को और आईब्रोज को बिल्कुल लंबा और घना कर देगा और आपको आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर के बटन को दबाएँ, इट्स टोटली फ्री, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो DIY सीरम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए वो है पेट्रोलियम जेली। मैं 2 टीस्पून या 3 टीस्पून पेट्रोलियम जेली के लूँगी, और मुझे चाहिए ऑलिव ऑयल, ये भी मैं 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल के यूज़ करूँगी। मैंने इस तरह का एक खाली कंटेनर ले लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी पेट्रोलियम जेली। मैं इसमें ये 1 और ये 2 टीस्पून पेट्रोलियम जेली के मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल, मैं इसमें 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल के डालूँगी, ये 1 और ये 2। ऑलिव ऑयल आपकी बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पेट्रोलियम जेली और ऑलिव ऑयल आपस में सही मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सा सीरम बन जाए। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया और मेरा सीरम रेडी है। आप इसको 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, सीरम बन गया है। अब आपने यूज़ कैसे करना है, आपने रात के टाइम थोड़ी सी अमाउंट में इस सीरम को लेना है और इस तरह इसको हल्का हल्का अपनी आईलैशेस पे और आईब्रोज़ पे लगाना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह।